आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। 2024 में भाजपा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विशेष रिपोर्ट। एक एक कर इतिहास के पन्नों को पलटते जाइए, भदोही की राजनीति को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आते जाएंगे। दरअसल लंबे समय तक भदोही की राजनीति पर बाहरी राजनेताओं का दबदबा कायम रहा है। भदोही की राजनीतिक प्रयोगशाला में लगातार प्रयोग होते रहे, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं रहा। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि भदोही की जनता ने जिन चेहरों को राजनीति में सफल बनाया, उन्होंने भदोही की माटी में जन्म लेकर एक भी ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे भदोही के युवाओं को रोजगार या फिर भदोही को एक नई पहचान मिल सके। यही कारण रहा कि भदोही की राजनीति के कुछ चेहरे सूरज की तरह चमके तो जरूर, लेकिन लंबे समय तक देश और प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा कायम नहीं रख सके। न सिर्फ ऐसे राजनेताओं ने अपने राजनीतिक करियर को तबाह कर दिया, बल्कि भदोही की आने वाली राजनीतिक पीढ़ी को जनता के विश्वास से दूर कर दिया। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो भदोही की जनता ने स्थानीय नेताओं पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन भदोही में नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई और एक बार फिर भदोही की राजनीतिक प्रयोगशाला में तैयार भदोही के युवा चेहरों ने अपनी जगह बनाई। वर्तमान समय में भदोही की राजनीतिक प्रयोगशाला में तैयार उन्मुख प्रतिभा के धनी इतने नए युवा चेहरों ने अपनी जगह बनाई है कि या तो बाहरी नेता भदोही में अपनी किस्मत अजमाने से बचते नजर आ रहे हैं या फिर अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। भदोही में कालीन उद्योग के अलावा कोई भी बड़ा उद्योग अब तक स्थापित नहीं हो सका है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में भदोही के कई चेहरे मंत्रिमंडल तक पहुंचे। यही नहीं, विश्वविद्यालय की दौड़ में शामिल काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय विश्वविद्यालय की दौड़ से लगभग बाहर होता दिखाई दे रहा है। भदोही के युवाओं की माने तो इसका प्रमुख कारण भदोही की राजनीतिक विफलता है। विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति में शामिल सदस्यों और छात्र नेताओं का कहना है कि जब भदोही में कैबिनेट स्तर के नेता होने के बावजूद विश्वविद्यालय नहीं बना तो शायद अब इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसका प्रमुख कारण यह है कि मंडल में एक जनपद मिर्जापुर है, जिसकी कमान वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल एक ठोस नेता के हाथ में है। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी की दौड़ में मिर्जापुर आगे रहा और भदोही पीछे। हालांकि जिलाधिकारी गौरांग राठी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि जनपद में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के शुभ संकेत मिले हैं। 2021 में निर्दल प्रत्याशी के रूप में एक बड़ी जीत दर्ज करने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी का राजनीतिक कद जिस तरह से भदोही की राजनीति में बढ़ा है और समाज के हर वर्ग में जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने अपनी जगह बनाई है, उससे यही कहा जा सकता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी भदोही भाजपा प्रत्याशी के लिए ब्रह्मास्त्र की भूमिका निभा सकते हैं। यदि भदोही के सभी राजनीतिक चेहरों की तुलना की जाए तो जनपद का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां अनिरुद्ध त्रिपाठी को लोग न जानते हो या दिल से न मानते हो। लगातार राजनीतिक चेहरों पर यह सवाल उठते रहे हैं कि जीतने के बाद राजनीतिक चेहरे जनता के बीच दिखाई नहीं देते। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी प्रतिदिन जनता के बीच देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने सौम्य व्यवहार से जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने अपने आप को जनपद की राजनीति में नंबर वन साबित किया है। प्रतिदिन की तरह सोमवार को जनसंपर्क अभियान को जारी रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी बुसौला ग्राम में आयोजित कजरी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और कजरी समारोह के बाद भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ जिला पंचायत सदस्य अंजनी शुक्ला, राजेंद्र पाल बघेल, अन्य जिला पंचायत सदस्यगण व रामधनी यादव के साथ साथ युवा वर्ग का एक लंबा हुजूम अभय राज सिंह, राजेश परदेसी आदि शामिल रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।